हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हम पार्ट वन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर टोटल आर्टिकल चार हैं। और जो पार्ट वन है वो बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अभी देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, बोला उन्होंने यूनियन और फिर उसके बाद में टेरिटरी, यानी कि बाउंड्री की बात की हुई है और किसकी, यूनियन की। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया की बात की गई है। आर्टिकल वन यही बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। पहले बात करते हैं नेम की। तो उन्होंने नाम को जब डिफाइन किया, इंडिया को डिफाइन किया, तो बोला इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो स्टेट्स की यूनियन रहेगी। तो यहाँ पे वर्ड हुआ यूनियन, जो अभी हमने बात की थी। वहां पे फेडरल वर्ड जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए कि फेडरल कैरेक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर यूनियन कैरेक्टर है, वो नहीं, उन्होंने बोला यूनियन वर्ड इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए किया। किस लिए कि बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट्स इंडिया के अंदर है वो सब जो है किसी भी तरीके से उनके ऊपर, अपनी विश के ऊपर, अपनी विलिंग, अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब कभी भी जाकर अलग नहीं हो सकते। इंस्टेड दे विल बी यूनियन, दे विल बी यूनाइटेड इनटू इंडिया, इंडिया के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। इसीलिए बोला इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, वो यूनियन है स्टेट्स की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया को किस तरीके से डिफाइन किया गया, क्या इंडिया को भारत में जो है डिफाइन किया गया, तो आप यस पे टिक करेंगे। और अगर आता है ये ऑप्शन आपके पास कि इंडिया को यूनियन के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया कि फेडरल के तौर पे डिफाइन किया, तो आप यूनियन लिखेंगे, क्वाजाई फेडरल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कुछ जुरिस्ट के द्वारा माना गया। बल्कि सबसे जो हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पे यूनियन वर्ड किया इंडिया को डिफाइन करने के लिए और फेडरल कैरेक्टर माना। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जब ये बात आएगा एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कैसा माना गया, तो इंडिया को यूनियन माना गया, फेडरल नहीं माना गया। तो नेम में समझ में आ गया क्या है। फिर एक टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो टेरिटरी मींस बाउंड्री, तो कितना ज्योग्राफिकल लिमिट है यूनियन यानी कि इंडिया का, कितना लिमिट है। जब आर्टिकल वन बना था 1950 में, तो उस वक्त इसके चार पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसको जो है चेंज करके कर दिया गया, एक तो स्टेट जिसमें इंडिया के करंट स्टेट आते हैं, फिर टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी की बात होती है, और थर्ड कैटेगरी में डाला अगर कोई और कोई टेरिटरी है तो, जो कि अभी जिसमें कि नील कैटेगरी है, नील उसके अंदर है। फिर हमें समझ में आ गया नेम में क्या, टेरिटरी में यूनियन में क्या बात करी। यूनियन टेरिटरी में हमने बात करी है एक तो स्टेट्स की और बात करी है यूनियन टेरिटरी की। फिर आता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल टू। आर्टिकल टू पावर देता है, किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। इंडिया के पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है, ध्यान रखना। आर्टिकल टू पावर किसको देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है एडमिट करने की या फिर एस्टैब्लिश करने की नए स्टेट, यानी कि जो यूनियन बन के आई है उस यूनियन के अंदर इंडिया की पार्लियामेंट को पावर है कि वो नए स्टेट को एडमिट कर सकती है और नए स्टेट को एस्टैब्लिश भी कर सकती है। और ये भी बताया गया कि पार्लियामेंट जैसी कंडीशंस चाहेंगी, उन कंडीशंस पे, उन टर्म्स पे, उन चीजों को, किनको, स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं और एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये हेल्ड भी हुई थी 1993 में, केस आया था आरसी पोडियार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कि हम बात करते हैं पार्लियामेंट अपनी इच्छा से कंडीशंस पे, किन कंडीशंस पे एडमिशन करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट करती है, वो पार्लियामेंट की कंडीशंस पे, पार्लियामेंट की इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर आता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को हार्म नहीं कर सकती है पार्लियामेंट जब भी कोई स्टेट एडमिट कर रही है या फिर एस्टैब्लिश कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये, अगर हमने बात करी ये स्टेट्स अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही एडमिट किए जा रहे हैं या एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, तो कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, पार्लियामेंट आ ला सकती है, सिंपल मेजोरिटी से जो है उसको मेजोरिटी से पास होने की जरूरत है बिल को पार्लियामेंट के थ्रू, और वो जो हो जाएगा स्टेट जो है फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी फॉरेन टेरिटरी की बात हो रही है, तो रीबेरबरी केस 1960 में ये कहा गया था कि जब भी फॉरेन टेरिटरी को अलग करने की बात हो रही है फॉरेन टेरिटरी में, यानी कि फॉरेन टेरिटरी को इंडिया की जमीन देने की बात हो रही है, इंडिया में किसकी जमीन मिलाने की बात हो रही है, दोनों ही केस में जो क्या होगा, पार्लियामेंट की बात नहीं चलेगी, बात होगी आर्टिकल की अमेंडमेंट की, आर्टिकल 368 जो आर्टिकल अगर अमेंडमेंट की बात करता है कि
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तभी जो है फॉरेन सेसेशन या फॉरेन हम बात करेंगे एक्सेडिशन की बात होगी, यानी कि फॉरेन जो टेरिटरी है वो या तो एक्सीड होगी या सेशन होगी उसका, जब क्या होगा तो यानी कि हटाया जाएगा इंडिया की टेरिटरी में से कुछ पार्ट अगर किसी को दिया जा रहा है। जैसे री बैरोबेरी केस में बैरोबेरी यूनियन से इंडिया की टेरिटरी को हटा के पाकिस्तान को दिया गया था, तो उस केस में बात हुई थी कि पार्लियामेंट की अपनी मर्जी नहीं चलेगी, इंस्टेड अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। एज पर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960, और उसके थ्रू ही जो फॉरेन कंट्री को जो है यानी कि पाकिस्तान को टेरिटरी दी गई थी, हमने अपनी कंट्री का पार्ट अलग किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया था, यानी कि आर्टिकल 368 के थ्रू किया था। तो फॉरेन टेरिटरी की बात में तो आर्टिकल अमेंडमेंट चलेगा, हम बोले 368 जो आर्टिकल अमेंडमेंट की बात करता है वो चलेगा, वाला आर्टिकल चलेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर हमने बात की किस चीज की बात की कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर स्टेट एडमिट और एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास करके बिल को ला सकती है। यही आर्टिकल 3 ही बात करता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो ऑलरेडी स्टेट्स है, या तो नए स्टेट्स की बात करी थी, एस्टेब्लिशमेंट की बात करी थी, इस तरीके से नए स्टेट फॉर्म किए जा सकते हैं और जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं इंडिया में उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जाता है, मींस एक कोई स्टेट है उसमें से थोड़ा सा पार्ट हटा के एक नया स्टेट बना दिया, जो ऑलरेडी स्टेट है उसकी बाउंड्री को चेंज कर दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, उसकी बाउंड्री की लिमिट डिफाइन कर दी, ये इस तरीके से भी हो सकता है, और यहां तक कि किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज किया जा सकता है। ये सब चीजें हो सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी, आर्टिकल 3 में ये बताया गया कैसे करेगी, बिल होगा, बिल पास होगा पार्लियामेंट के थ्रू, पहले बिल प्रेजेंट होगा, बिल प्रेजेंट किसके रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे जो है प्रेजेंट होगा, और बिल को जो कंसर्न स्टेट है, जिन स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि उनकी बाउंड्री चेंज हो रही है, नाम चेंज हो रहा है, उनके पास भेजा जाएगा, उन स्टेट लेजिस्लेशन के पास भेजा जाएगा, और वहां से आने के बाद, पास होने के बाद वापस पार्लियामेंट में जाएगा, फिर उसको जो है पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास नहीं करते हैं या टाइम लगाते हैं, तो उस केस में भी पार्लियामेंट के पास पावर है, वो तब भी क्या कर सकती है, उसके स्टेट का नाम या बाउंड्री को चेंज कर सकती है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर हाँ या ना में जवाब नहीं देती तब भी। तो पार्लियामेंट के पास यहां पर भी पावर है, आर्टिकल 3 में ऐसा बोला गया। एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी निकल करके आती है कि अगर ऐसा हो कि अगर जब मैं बिल पास किया गया पार्लियामेंट में, कोई बिल आया और बिल को हमें पता है प्रेजेंट करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, वहां पर जाने के बाद अगर इन बिटवीन पार्लियामेंट उस बिल में कोई चेंज करती है, तो क्या वो जो बिल में चेंज हुए वापस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे कि देखिए हमने ये भी चेंज करा, आप इसको भी देख लीजिएगा? तो ये जरूरी नहीं है कि उनके पास बिल दोबारा जाए, जो ऑलरेडी बिल है उससे भी काम चल जाएगा, मीन्स जो चेंजेस बना रहे हैं बिल में ही उसको भी स्टेट लेजिस्लेचर को पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को। ये भी हेल्ड हुआ था, हमारे पास इसका भी एक केस लो है, बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 के केस में यही चीज हेल्ड हुई थी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई बिल है ऑलरेडी और पार्लियामेंट जो कुछ नया उसमें इम्प्रूवमेंट या अमेंडमेंट लेके आते हैं इन बिटवीन, जब भी वो कंसिडरेशन में स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो भी भेजने की जरूरत स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। और अगर टाइम लिमिट के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो पार्लियामेंट बिना स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी जाने उस चीज को, उस बिल को पास कर सकती है। हमारे पास आर्टिकल 4 आ जाता है, नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है लॉज मेन अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। देखिए जब भी कोई एक्ट नया, जब भी हम आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 की बात करते हैं, कोई भी स्टेट नया बना, तो अपने स्टेट बनने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो है पार देनी पड़ेगी तीनों तरीके की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो तीनों तरीके की वहां पर हमारे पास फंक्शनिंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी काम करना पड़े तो करेगी क्या, लॉज बनेंगे, पार्लियामेंट बनाएगी, उसके अलावा इंट्रोड्यूस करना होगा स्टेट को पार्लियामेंट में, वो भी किया जाएगा। और इन सब काम को करने के लिए अगर फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल में क्या करना है, अमेंडमेंट लाना पड़े, तो वो अमेंडमेंट भी लेके आ सकते हैं कि ये कहा गया है आर्टिकल 4 में।
सिंपल है, जो नए स्टेट बने हैं उनको फॉर्म में लाने के लिए, उनकी फंक्शनिंग करने के लिए, या बोले उनको सप्लीमेंट करने के लिए, इंसिडेंट करने के लिए, कॉन्सिक्वेंशियल जो भी चीजें करनी पड़े वो कर सकते हैं, किसमें फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 4 ये बोलता है। चार आर्टिकल आज हमने किए जो कि इम्पोर्टेंट है जब आप बात करेंगे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उस वक्त। ये सब जो फर्स्ट मैंने आपको बोला वो तो है ही इम्पोर्टेंट, और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई स्टेट जो होगा कैसे बनता है, फॉर्मेशन कौन से आर्टिकल में बताया गया है। देखिए आप आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप आर्टिकल 12 और 13 की बात करेंगे तो ये दोनों आर्टिकल इनसे जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बिना वो आर्टिकल कंप्लीट नहीं होते हैं, तो हमें ये दोनों आर्टिकल भी समझने जरूरी थे। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई वांटेड टू क्लियर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।